हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का यूट्यूब के इस चैनल एडवेंट एडू में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इस चैनल पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर कोर्स, इन विषयों को लॉन्च करने का पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसमें कि कंप्यूटर कोर्स प्रारंभ हो चुका है, उसकी दो वीडियोज भी लॉन्च की जा चुकी हैं और उसमें स्टूडेंटों की लगातार प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं और काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। और इसी सपोर्ट से अभी प्रेरित होकर के अब हम, जैसा कि हमने वादा किया था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, तो मैथमेटिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के संपर्क में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार जो कोई भी हो, सबको आप प्लीज सूचित जरूर कीजिए ताकि इस वीडियो क्लास का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मिल सके। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का इस, जैसे आपने कंप्यूटर कोर्स में सपोर्ट किया है, वैसे आप फिजिक्स में भी सपोर्ट करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, ये यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 के हिंदी मीडियम के, जो साइंस साइड के बच्चे हैं, आप उनको ये इस बात को जरूर सूचित कीजिएगा कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट मैथमेटिक्स हम सिखाने वाले हैं। और ये स्पेशली सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। और जैसा आपका इसमें हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी आधार पे हम क्लास 10th के भी, क्लास 9th के भी और बाकी जो अदर क्लासेस हैं उनकी भी वीडियो सीरीज लॉन्च करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज से हम फिजिक्स का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ही बाय पार्ट्स आपके और भी क्लासेस आएंगी। तो आज चूंकि हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लें कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है। अब जो है लेटेस्ट सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, तो हम पढ़ कैसे पाएंगे। पहले ये जानें कि पढ़ना क्या है, उसके बाद सीखेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो हम आपके साथ हर कदम पर रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं। टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। आइए, तो फिजिक्स सिलेबस सन 2018 और सन 2019, ये सिलेबस ऐसा है कि पहले डबल पेपर हुआ करते थे, अब एक पेपर हुआ करेगा, यानी केवल सिंगल पेपर। ऐसे बाकी विषयों के भी हैं, कुल मिलाकर आपका अब परीक्षाएं एक महीने में नहीं चलेंगी बल्कि जल्दी ही खाली हो जाया करेंगे। तो पहले डबल पेपर था, अब की बार एक ही पेपर होगा। पेपर 70 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। पास होने का जो मिनिमम मार्क है वो है 33 नंबर, यानी कि 33 नंबर पाएंगे तभी हम पास होंगे। फिजिक्स में प्रैक्टिकल में अलग और थ्योरी में अलग। उसके बाद जो आपका 70 नंबर का पेपर होगा, वो 70 नंबर का बंटवारा कैसे होगा, आइए उसके बारे में जानें। आपका जो 70 नंबर का पेपर रहेगा वो दो खंडों में रहेगा, खंड क और खंड ख। खंड क में क्या रहेगा और ख में क्या रहेगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। खंड क में स्थिर विद्युत की, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद विद्युत धारा के चैप्टर से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर धारा का चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व, इस पर 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इस पर भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा पूछा जाएगा खंड क में, जो कि कुल 35 अंकों का रहेगा। उसके बाद खंड ख में प्रकाशिकी से 13 नंबर का, द्रव्य और द्वैत प्रकृति से 4 नंबर का, परमाणु तथा नाभिक के चैप्टर से 6 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां इस चैप्टर से 8 नंबर का,
और संचार व्यवस्था प्रणाली इस चैप्टर से आपका चार नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के खंड ख में भी कुल 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यही है आपका पूरा सिलेबस, खंड क 35 नंबर का, खंड ख वो भी 35 नंबर का, और जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो आपका 30 नंबर का रहेगा। यही कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका स्कूल कॉलेज में होगा, तो जो आप बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न पत्र देंगे वो आपका 70 नंबर रहेगा। तो यही है आपका पूरा 100 नंबर के सिलेबस का बंटवारा। और आज इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने केवल फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जाना है। अब अगला जो आपका वीडियो आने वाला है उसमें हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्थिर विद्युत की। यहां से हम प्रारंभ करेंगे अगला वीडियो क्लास, और आप बाकी स्टूडेंटों को भी सूचित कर दीजिएगा और उनको बताइएगा कि YouTube के एडवेंट एडू चैनल पर स्पेशली ओनली फॉर यूनिबोर्ड स्टूडेंट्स ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। एक तरह समझिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था, घर बैठे आराम से सीखिए। पूरे वीडियोस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि उसको बार बार आप देख सकें और रिवाइज कर सकें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो क्लासेस आपके शैक्षिक जीवन में बहुत परिवर्तन ला देंगे। और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं, अगर आपने वैसे से तैयारी किया यकीनन आप 97-98% फिजिक्स में जरूर उठा लेंगे, गारंटेड है। बस जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे से आप करते भर जाइए, हो गया। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो क्लासेस में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।